साइंस टेक्नोलॉजी की दुनिया में आप सभी का वेलकम है। आज हम देखेंगे अद्भुत मशीनें जिनके काम करने का तरीका लोगों को चौंका देता है। हैबो मशीन, ये है लोहे के रॉड को मोड़कर अलग अलग डिजाइन बनाने की मशीन। ग्रिल में लगने वाले बहुत सारे डिजाइन इस मशीन की हेल्प से बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हो जाते हैं। पम्पकिन शीट डिस्पोजल, दोस्तों इस मशीन के पहिए में काफी सारी नुकीली कीले लगी होती हैं, जो खेत में पड़े पम्पकिन को अपने ऊपर फंसा लेती हैं, जहां से यह कद्दू मशीन के दूसरे यूनिट से क्रश होकर खेत में गिरते रहते हैं। और इस तरह बड़े बड़े खेत में यह मशीन बहुत ही जल्दी बीज बिखेर देती है। और इसी तरह इस मशीन से लौकी के बीज भी गिराए जाते हैं। डेयरी मास्टर, दोस्तों गाय का दूध निकालना पहले काफी मेहनत भरा और समय लेने वाला काम था, लेकिन इस खास मशीन ने इसे बेहद ही आसान बना दिया है। डेयरी मास्टर नाम की ये मशीन ना सिर्फ किसानों के लिए फायदेमंद है, बल्कि इससे गाय भी दूध देते वक्त आराम से खड़ी रहती है। इस मशीन में एक रोटेटिंग पैनल है जिस पर एक साथ कई गाय खड़ी होती हैं, और दूध निकालने वाली वैक्यूम मशीन को इनके थन पर लगा दिया जाता है, जिससे कुछ ही समय में सैकड़ों लीटर दूध जमा हो जाता है। जिपर ट्रक, ये काफी एडवांस टेक्नोलॉजी है और इस मशीन की हेल्प से टनल्स वगैरह बनाई जाती हैं। जहां टनल बनानी होती है उस जगह यह जिपर ट्रक खड़ा कर दिया जाता है, जिसके ऊपर के छोटे छोटे रोलर पर कंक्रीट के ब्लॉक्स रखे जाते हैं। जैसे जैसे टनल आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये ट्रक आगे खिसकने लगता है और कुछ ही घंटों में टनल बनकर रेडी हो जाती है। कैबेज हार्वेस्टर, ये है गोभी तोड़ने की मशीन जिसमें किसान गोभी को मशीन में लगी कन्वेयर बेल्ट में रखते जाते हैं, और यह मशीन अपने आप सारी पत्ता गोभी से खराब पत्ते निकाल भी देती है, जिसके बाद यह साथ में लगी ट्रोली में जमा हो जाते हैं। यूकेबी स्पेशल टूल्स, ये है ताकतवर हाइड्रोलिक प्रोसेस मशीन। इसकी हेल्प से दूसरी मशीनों में छोटे छोटे पार्ट्स को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो भी पार्ट्स बनाना होता है केवल उसका मोल्ड इस मशीन में फिट करना होता है, और इसके नीचे स्टील या आयरन की शीट रखनी होती है, जिसे यह बड़ी ही सफाई के साथ उस शेप में बदल देती है। इस तरह से अनेकों पार्ट्स ये मशीन कुछ ही देर में तैयार कर देती है। कॉर्न श्रेडर मशीन, दोस्तों ये बेहद ही कमाल की मशीन है जिसका इस्तेमाल भुट्टे के दानों को निकालने के लिए किया जाता है। कुछ वर्कर्स मिलकर मशीन में चलती कन्वेयर बेल्ट में कॉर्न डालते रहते हैं, जिसे ये मशीन वाइब्रेशन करके दानों और कॉर्न को अलग कर देती है। इस तरह से लेबर भी कम लगती है और काम भी काफी जल्दी हो जाता है। पम्पकिन कलेक्टर, इससे पहले हमने कद्दू के बीज डालने वाली मशीन दिखाई थी, लेकिन ये मशीन खेत में तैयार हो चुके पम्पकिन को कलेक्ट करने का काम करती है। इसमें सामने की तरफ कई उल्टे कटोरे लगे होते हैं जो पम्पकिन को उठाकर पीछे रखते जाते हैं, फिर ये कन्वेयर बेल्ट से होते हुए सीधा ट्रॉली में जमा हो जाते हैं। किन्स हॉफर, दोस्तों इस मशीन का इस्तेमाल रेल की पटरियों के बीच बिछे स्लीपर्स को लगाने या फिर चेंज करने के लिए किया जाता है। इस मशीन में दो यूनिट काम करते हैं, जिसमें से एक तो स्लीपर को पकड़कर लगाता है तो दूसरा यूनिट ट्रैक पर गिरी गिट्टी को हटाता रहता है। ट्री कटिंग अटैचमेंट, दोस्तों ये मशीन पलक झपकते ही पेड़ों के टुकड़े कर देती है। सीधे खड़े पेड़ों को इसका जो कस के पकड़ लेता है और कटिंग ब्लेड चुटकियों में पेड़ काट देता है। ये इतनी एडवांस है कि साथ ही साथ पेड़ की टहनियों को भी अलग करती जाती है और पेड़ को एक फिक्स लेंथ में काट भी देती है। रोड क्लीनर मशीन, ये है सड़कों की सफाई करने वाला ट्रक। इस ट्रक में पीछे की तरफ पानी का टैंकर होता है और आगे की तरफ प्रेशर से पानी फेंकने वाली नोजल, जो रोड को क्लीन कर देती है। इसके अलावा इस मशीन में रोटेटिंग ब्रश भी लगे होते हैं, जो सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए उसे साफ कर जाते हैं। पैलवेरिजर,
इस मशीन की स्पीड और काम किसी भी व्यक्ति को हैरान कर देता है। इसकी मदद से किसानी से निकाले गए वेस्ट चुटकी में पाउडर में बदल जाते हैं। यहाँ इस मशीन में खजूर के पत्तों को डाला जा रहा है, जो बहुत ही तेजी से इसका पाउडर बनाती जा रही है। रोड मेकिंग मशीन। दोस्तों, ये है सड़क बनाने की एडवांस मशीन। इस मशीन में केवल ईंटें डालनी होती हैं, जिन्हें ये मशीन एक लाइन से बिछाती जाती है। जहां पहले ईंटों की सड़कें बनाने में कई दिन लग जाते थे, वहीं अब इस मशीन की मदद से देखते ही देखते कुछ ही देर में लंबी चौड़ी सड़क बनकर तैयार हो जाती है। बुक बाइंडिंग मशीन। दोस्तों, ये काफी बड़ा यूनिट है, जिससे किताबें या कॉपी के पन्नों को जोड़कर एक नई किताब बनाई जाती है। यह पूरी तरह से ऑटोमेटिक है। इसमें केवल पेज के बंडल को रखना होता है, जिसे यह एक एक कर उठाती है और आगे ले जाती है, जहां एक बाइंडिंग यूनिट इन्हें आपस में जोड़ देता है। ब्रिकेट मशीन। ये है लकड़ी के बुरादे को प्रेस करके उनके ब्रिकेट बनाने की मशीन। इस मशीन में केवल लकड़ी के बुरादे को डालना है, फिर यह मशीन उसे इतनी पावर से प्रेस करती है कि उनके छोटे छोटे रोल बन जाते हैं। स्पार्टन लीफ क्लीनर। ये मशीन सड़कों पर गिरे पत्तों को, पन्नी को, प्लास्टिक को क्लीन कर देती है। इसमें बड़ा सा एक सक्शन ट्यूब लगा होता है, जो तेजी से सड़क पर गिरी गंदगी को अपने अंदर खींच लेता है और पीछे लगे टैंक में जमा कर देता है। लेजर कटिंग मशीन। ये है लेजर टेक्नोलॉजी की मदद से आयरन या स्टील पर कटिंग करके डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन बनाने की मशीन। इसके कंप्यूटर में केवल डिजाइन का ब्लूप्रिंट देना होता है। सेम टू सेम वही डिजाइन स्टील की शीट पर लेजर की मदद से तैयार कर देती है। रदरबर्ग लैंड टेक्निक। इस मशीन से बनाई जाती है खेतों में क्यारियाँ। दोस्तों, कुछ फसलों को बोने के लिए खेत में मिट्टी की क्यारियाँ बनाई जाती हैं, और ये मशीन चुटकियों में एक साथ 6 क्यारियाँ बनाती चलती है। कई दिनों का काम इस मशीन से कुछ ही घंटों में हो जाता है। चेरी हार्वेस्टर। दोस्तों, चेरी जैसे फल को तोड़ना काफी समय लेने वाला होता है, पर ये मशीन अपनी वाइब्रेटिंग पावर से पेड़ को पकड़कर जोर जोर से हिलाती है, जिससे सभी चेरी मशीन से जुड़ी छतरी में गिरने लगते हैं, और ये छतरी पेड़ को पकड़कर उसके चारों ओर फैल जाती है। H20IV। दोस्तों, ये पत्थरों का चूरा बनाने की एक पावरफुल मशीन है, जो कि पत्थर पर चलती है। इसका कांटेदार हैवी रोलर व्हील पत्थरों को चकना चूर कर देता है। सड़क बनाने में इस्तेमाल होने वाली बजरी इस तरह की मशीन से पीस कर ही बनाई जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक कर हमारी मेहनत को सफल जरूर बनाएं।